निवार तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया है। भोपाल सहित प्रदेश में सर्द हवाओं के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है, साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देखें खास रिपोर्ट। नवंबर के आखिरी हफ्ते में अचानक ठंड में वृद्धि देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब ठंड ने जोर पकड़ लिया है। इस सीजन में पहली बार पारा उमरिया में 60 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। प्रदेश में यह सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिन तापमान में विशेष कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। मौसम वैज्ञानिक गुरुदत्त मिश्रा ने प्रदेश में मौसम को खुशनुमा बताते हुए लोगों से इसका आनंद लेने की बात कही है। देखिए, प्रदेश का मौसम पिछले 24 घंटे में शुष्क था और सबसे कम 60 डिग्री अगर हम बात करें तो उमरिया में दर्ज हुआ, और अगले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भोपाल की बात करें तो भोपाल का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री था और अधिकतम 26 डिग्री था। अभी फिलहाल कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है प्रदेश में, इसलिए कोई वर्षा की संभावना भी नहीं है और तापमान लगभग ऐसे ही रहेगा थोड़ा सा भी है। अभी फिलहाल 1-2-3 दिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें तापमान में घटने या बढ़ने की संभावना नहीं है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, इस कारण से साउथ में जो रेन होगी उसका थोड़ा बहुत असर पूरी मध्य प्रदेश में होने से क्या होता है, तापमान को रोक देता है। और WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर में, तो ये सब कारणों से अभी विंड नॉर्थ ईस्ट चल रही प्रदेश में और ठंडी हवाएं आ रही हैं। तापमान जो कि है समान या समान से आसपास है, इसलिए तापमान तो कम तो है ही, ऐसा नहीं कि कोई तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है या कुछ भी है। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए, जितना आवश्यक हो घर के बाहर उतना ही कम निकलें, मास्क लगा के निकलें और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। और प्रदेश का मौसम इस समय बहुत खुशनुमा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है, उसका फायदा लें और किसानों के लिए बहुत अच्छा सीजन चल रहा है इस समय। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता, तापमान में ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश कम है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।